बैठा रे राहुल, बैठना बैठना लौड़े बैठना। बहुत ही पहले डिस्ट्रक्शन दिखाई गई टीम बीए के एंड से, बट देखिए को स्मोक या मेंट होता नजर आ रहा है, स्मोक खत्म होता नजर आ रहा है। राहुल वाईटी फाइनली यहां पे थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते हैं और रोमियो के शॉट से अटैक करके दोबारा नॉक आउट कर दिया जाता है। ओ पड़ी, ओ गया गया। यहाँ पे राहुल भी थोड़ी सी दिक्कत बढ़ते हुए, बिकॉज राहुल को यहाँ पे नॉक कर दिया गया। क्या यहाँ पे रोल जो है एक अच्छा कवर प्रोवाइड कर पाएंगे, और डी सेवन बिल्कुल इनके राइट साइड पर रहने वाली है, जो कि राइट नाउ किसी तरीके से जोन में एंट्री करने की ट्राई कर रही है। पोर्टल बिल्कुल डी सेवन की साइड से आगे बढ़ा जा रहा है। वहीं पर बी आई के जो लॉल्स वगैरह थे अपने टीम में राहुल वाईटी को थोड़ी देर पहले एक बहुत ही पहले डिस्ट्रक्शन दिखाई गई टीम बी आई के एंड से, बट देखिए को स्मोक या मेंट होता नजर आ रहा है, स्मोक खत्म होता नजर आ रहा है। राहुल वाईटी फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते हैं और रोमियो के शॉट से अटैक करके दोबारा नॉकआउट कर दी जाते हैं, और टीम बी आई के लिए ये मुश्किल जो है वो ज्यादा हो सकती है। डी सेवन के प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ट्राई करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग जब हमने जब बात की टेक स्टार्ट में यही बात की, ये वो दो तीन टीमें हैं जो कि टॉप पर नजर आती है पॉइंट्स में। दिस टाइम अराउंड टीम बी सेवन बी आई को ले लेगी और बी आई के स्क्वाड को फाइनली यहाँ पर इलिमिनेट कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वहां पर डिसएडवांटेज था लोल्स और राहुल के लिए कि वो बिल्कुल एक ओपन एरिया में एक बगी के पीछे जिसका ज्यादा कवर नहीं था, और टीम ऐसे इलिमिनेट हो चुकी है। बट दे यू गो टीम, पीछे पीछे मैं सब बग्गी का कवर है, नहीं लगेगा। ऑब्वियसली ये कर रहा काफी टफ कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो टीमें रहने वाली रिमेनिंग में पांच टीमें रह चुकी है, हमारे पास रिमेनिंग जो है इन पांच से छह टीमों के दरमियान फाइट होगी। रैप्टर के एक प्लेयर को डाउन किया जाता है टीम बीआई के एंड से, और वहां पर टीम बीएस के प्लेयर्स जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेयर्स गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लुक एट देम गोइंग ऑनवर्ड। तीन बंदे हमें टीम बीएस के पास होंगे और प्लेयर्स हमें डायरेक्टली आगे जाना चाहते हैं, लेकिन समाओ जो है शॉर्ट देते हैं हंट वाईटी और नॉकआउट निकालने में जरूर कामयाब होंगे। एजी नईम का एक शॉट है दैट कनेक्शन, नॉकआउट निकालने में कामयाब होंगे। टीम बीआई के ऊपर मजीद यहां पे डैमेज देगा, प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा, लेकिन राहुल वाईटी की शॉट्स आते हैं, प्लेयर्स यहां पे जो है बीएस के बंदे को डाउन करते हैं, उनको मैच से एलिमिनेट करने में कोशिश करने में कामयाब हो सकते हैं। लुक एट दिस क्लोज रेंज बैटल, टीम बीएस के प्लेयर्स हैं वो अभी फाइट करते नजर आ देंगे, एंड फाइनली बीएस के स्क्वाड से में ट्राई की जाती है, बट दिस टाइम अराउंड टीम बीआई जो है वो फाइट को विन करेगी। राहुल वाईटी रैप्टर के एक बंदे को मैच से एलिमिनेट करेंगे, और टीम डी7 जो है वो बीआई के प्लेयर्स को भी मैच से एलिमिनेट करते हुए जरूर हमें वहां पे नजर आ सकती है, बिकॉज आई थिंक यहां पे टीम बीआई के जो है एक दो प्लेयर्स को ऑलरेडी मैच एलिमिनेट किया जा चुका है। राहुल वाईटी इज गोना बी द होप फॉर द टीम बीआई राइट आउट देयर। राहुल वाईटी अकेले यहां पर टीम के लिए बच चुके हैं, डी7 दोबारा फिर से मूड में नजर आ रही है, टीम बी से बीआई जो है डी7 जो हमारे पास दोबारा फिर शायद नजर आ सकती है आफ्टर मीरा मार के वो लोग इस मैच में चिकन डिनर निकाले। बट इनके लिए जो मुश्किल रहने वाले, जो टीम इनके अगेंस्ट रहने वाली, वो टीम एजी और टीम बीआई या बीआई की साइड हमें पता है ऑलरेडी एक एक प्लेयर जो इस तरह की परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है कि मतलब दे आर वन मैन आर्मी इन देमसेल्व्स। सो लेट्स सी क्या राहुल वाईटी यहाँ पर किसी तरीके का कोई क्लच जो है वो पुश किया जाए हमें दिखाते हुए नजर आ पाएंगे, या फिर समहाउ जो है वो अपनी टीम के लिए चिकन डिनर निकालने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज स्टिल ही हैज गॉट द स्पॉट जहाँ से वो अच्छी फाइट जो है टीम एजी और टीम डीएसएन के साथ ले सकते हैं। बिल्कुल डी का, और उसके साथ साथ डी सेवन के रोमियो को किसी तरीके से डीपी का स्प्रे जाते हुए वहां पे राहुल को कनेक्ट करते हैं, बी आई यहां पे एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन राइट टॉप एजी रहेगी जो कि स्टिल अभी। चलो बैठे बैठे बगा बगा जितने भाई, अरे जोन काटेगा, चलो चलो राइट ले लो, राइट राइट यहां पे मैंने एक नॉक किया था। अरे चाचा ही उतर गए थे सामने, ये पत्थर पे ले रहा हूं, मारो इसको, राइट वाले को मारो 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 मारो। लेटर है राहुल, लेट जा स्मोक कर, कोई नहीं तेरी गेम है, इजी है इजी है, तुम गाड़ी फोड़ना पड़ेगा।
कर राहुल गाड़ी फोड़ कर पर जोन में नहीं है ये जोन में नहीं अभी मत फोड़ तेरे को गाड़ी थोड़ी आगे ले जानी पड़े ले ले और लूट ले पहले अच्छे से M4 ले भाई साइड आके M4 ले गाड़ी पटरी है दूर जा फुट फोड़ पटरी है राइट साइड जा और एक पटरी है क्या राइट वाली देख और क्या कर रहा है तू राइट साइड जाना क्या कर रहा है बैठा रही ना बैठ जा अगर लेटा हुआ पैर वैर दिख रहा है तो अरे कोई दिक्कत नहीं नेट कर राइट में नेट कर राइट में नेट कर राइट वाली गाड़ियों पे तो भी कर तो भी एक नेट कर ले अब तू अभी स्मोक कर ले वहां तक स्मोक कर ले और वहां तक पहुंच जा तू बैठा रे राहुल बैठना लौड़े बैठना क्या है एंगल दे रहा है तुमको नीचे से बैठना भाई बैठना इतना अच्छा कवर है टायर के पीछे बैठना अरे तो नीचे से दिख रहा होगा इसे उसको दो टायर दिख रहे होंगे इसे मार रहा होगा प्री बैठ ही नहीं रहा भाई लेटा रहा है बिल्कुल यहाँ पे प्लेयर डाउन होते नजर आ रहे टीम डी सेवन वर्सेस टीम बीआई दिस इज द फाइट ऑफ द मैच राइट नाउ दिस इज द फाइट ऑफ द टूर्नामेंट मे बी आउट देयर एज वेल बिकॉज़ डी सेवन का स्क्वाड एक बहुत ही प्यारी हमें टीम नजर आती है एक बहुत ही ज्यादा टफ टीम रहती है कंसीडरिंग द ओपोनेंट्स आउट देयर कंसीडरिंग द कंपटीशन दो बट टीम बीआई के साइड से लोल्स जो के टीम को हमें छोड़ चुके हैं उनके अलावा हमें बाकी जो तीन प्लेयर्स हैं वो हमें डी सेवन के स्क्वाड के अगेंस्ट में जाने वाले हैं बीआई का स्क्वाड आगे पता मूव ऑन कर रहा है प्लेयर्स को जोन में जा रहा है 30 मीटर जोन में जाना पड़ेगा टीम डी सेवन की बात करें अजलान हिटमैन रोमियो दूसरे एंड पर मौजूद है रिज का एडवांटेज देगा टीम डी सेवन के पास एक अच्छा नेट है राहुल वाइटी के एंड से दोबारा भी टी टू का एक अच्छा नेट जहां पर टीम बीआई को जो नॉकआउट दिला सकता है प्लेयर्स को आसानी हो सकती है आगे रच करने में बट फर्दर स्टिल प्लेयर्स को ऐसे ही मूव ऑन करना पड़ेगा टी टू आगे बढ़ते हैं डी सेवन के अजलान को बहुत ही शॉट देते हैं नॉकआउट निकालते हैं रोमियो के शॉट्स भी देंगे और डी टू का डाउन कीजिएगा हिटमैन बहुत पहले पहले शॉट देते हैं और नॉकआउट निकालने में कामयाब हो गए फाइनली डी सेवन का स्क्वाड जो है वो ये चिकन डिनर निकालने में कामयाब होगा टीम बी आई विल गेट द सेकंड स्पॉट दो बट टीम डी सेवन विल गेट द विनर विनर चिकन डिनर एट द एंड बिकॉज दे हैड द एडवांटेज ऑफ दैट रेज और यहां पर तेरा लेफ्ट में चुपचाप तुम्हें साथ हो यार अरे दिया अरे बिल्कुल आगे चला गया क्या समझ आपको पहले जोड़ लेना देखो आपको पहले जोड़ लेना ठीक है अरे मैं तुम साथ थे अपन तो साथ फेर दे रहे कोई नहीं चलो अभी लो राइट लो हेमंत के किला गया सामने आ कवर दे मतलब पीछे और एक बंदा हो सकता है टी सेवन का नॉक हुआ था ये ओपन मारना ऊपर और एंगल नहीं जैसे एंगल है ना तो देखो एंगल होना चाहिए देखो जोन जाना है तुमको बगी लेके जा बगी लेके जा बगी लेके जा टीटू चल होल्ड चल होल्ड करो राहुल होल्ड कर तू लेफ्ट से जा राहुल तू पूरा लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा नहीं नहीं पॉसिबल भाई लो हो गया टीटू तो बग्गी लेके क्यों नहीं गया